हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज फिर एक नए वीडियो को लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो आपके सामने उपस्थित है, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये वीडियो यदि आप बहुत ही ध्यान से सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सार्थक होगा, और ये वीडियो इस प्रकार का वीडियो है कि हमारे जीवन में आम बोलचाल भाषा में तमाम प्रकार के जिक्र होते रहते हैं, और ये कहीं ना कहीं हर लोगों का सवाल होता है कि एक्चुअली में सही है क्या। तो तमाम प्रकार के विचारकों ने अपना मत दिया है इस टॉपिक पर। टॉपिक का नाम तो ऐसे तो मैं लिखा हूँ, मोटिवेशनल का ब्रह्मास्त्र। तो मोटिवेशनल का ब्रह्मास्त्र का मतलब यहाँ पर यही है कि एक तरीके से अगर आप इस चीज़ को पूरी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपके अंदर जो संशय की स्थिति होती है वो सारे संशय की स्थिति समाप्त हो जाएगी। और मेरा मानना ये है कि जब तक इंसान के अंदर संशय की स्थिति बनी रहती है तब तक उसके अंदर गति नहीं आ पाती है मित्र। ठीक, अगर आपके अंदर संशय की स्थिति दूर हो जाए तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा गति आ जाएगी और आप अपने समय का पूरी तरीके से सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है मित्र, एक चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी है कि आज आपको इसी एक लेक्चर में तमाम विषयों के कुछ झलक देखने को मिलेंगे। तमाम विषयों की झलक देखने का मतलब आपको यहाँ पर दर्शन भी देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर ज्योग्राफी भी देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर समाजशास्त्र भी देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर मनोवैज्ञानिक विषय भी देखने को मिलेगा। ठीक है मित्र, आपको यहाँ पर भूगोल भी देखने को मिलेगा, यानी कि तमाम प्रकार के विषय के कुछ झलक आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और मित्र, जो मैं ये वीडियो बनाया हूँ, ये ज़्यादातर वीडियो सभी उन सामान्य व्यक्तियों के लिए भी हैं जो जिन व्यक्तियों के मन में तमाम प्रकार के उलझन की स्थिति बनी रहती है कि आखिर में रियलिटी है क्या, इस संसार की रियलिटी क्या है, जैसे ईश्वर हैं कि नहीं है, या फिर ये पूरा यूनिवर्स किस तरीके से चल रहा है, सर्वोच्च शक्तिमान कौन से हैं, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होते हैं, व्यक्ति क्या होता है, समाज क्या होता है, और इन लोगों का आपस में किस प्रकार से संबंध है, एक दूसरे को किस तरीके से ये प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आपने अक्सर सुना होगा कि कोई एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती रहती है, ये भी आपने सुना होगा। दूसरी चीज़, आपने ये शब्द सुना होगा कि क्या परमात्मा एक है कि परमात्मा अनेक है। तमाम प्रकार की इस तरीके से भ्रांतियाँ हमारे जीवन में सुनने को और देखने को मिलती हैं मित्र। ठीक है दोस्त, तो आज उसी सारे टॉपिकों को हम कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जोड़कर आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि रियलिटी में इनमें आपस में क्या संबंध है। हाँ, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अपना एक पर्सनल व्यू है, एक अपनी पर्सनल सोच है, और जो मैंने सोच व्यक्त किया है वो एक तरीके से पूरा एक एनालिसिस अप्रोच है, और वो चीज़ें मैं तर्क के माध्यम से आपके सामने रखूँगा। अब आप इससे कितना सहमत होते हैं, कितना असहमत होते हैं, इस चीज़ को आप खुद एनालिसिस करिएगा, और अगर आपको लगे कि मुझे कुछ सुझाव और भी इसमें देना है तो आप निश्चित रूप से अपना सुझाव दे सकते हैं मित्र। ठीक है, बट ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये वीडियो पूरी तरीके से देखिएगा, आपको निश्चित रूप से इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आप अपने हर उद्देश्यों की पूर्ति कर लेंगे और आप अपने जीवन को भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बना लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है मित्र, ये वीडियो पूरा देखने की कोशिश करिएगा। तो आइए हम इस पर इस चीज़ को आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं कि आखिर में ये सारा चीज़ है क्या और इसमें आपस में क्या संबंध है और किस किस टॉपिक पर मुझे आज चर्चा करनी है उसके बारे में पता करना है। ठीक है मित्र, तो आइए हम इस चीज़ को देखते हैं। देखिए मित्र, ये मैंने पूरा एक तरीके से फिगर बनाया हुआ है कि आखिर में सारे विषयों का आपस में किस तरीके से इंटरलिंक है और किस तरीके से एक चीज़ दूसरे चीज़ से जुड़ी हुई है, उस चीज़ को पूरा जोड़कर आपको बताने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। देखिए मित्र, यहाँ पर क्या है
कि यहाँ पे लिखा हुआ मैंने ये सारे गोले बनाए हुए हैं, इसलिए गोले बनाए हुए हैं मित्र की क्योंकि ये सारे चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे में इंटरलिंक है। और एक्चुअली में ये गोला इस तरीके से मैंने बताया बनाया है कि ताकि आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि ये हमारे दिमाग में चलने वाले सारी चीज़ें हैं, ये मैसेज हैं और ये सारे डाटा हैं जो आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं और ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक तरीके से किसी एक दिशा में फोकस नहीं करने देती हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने चीज़ें आपके अंदर चलती रहती हैं ये आपको उलझन में डाले रहते हैं। इसी उलझन से बाहर निकालने की हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि इस उलझन से आप बाहर निकलिए और इससे कुछ सीखने का आप प्रयास करिएगा। ठीक है मित्र, देखिए मित्र मेरा ये कहने का मतलब है कि पढ़ाई, जब तक आप किसी पढ़ी हुई चीज़ को आप अपना सिद्धांत नहीं बना लेते, आप अपने विचारों के माध्यम से अपने व्यवहार में नहीं लाते हो तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो वही चीज़ मैं पूरा जो पढ़ाई किया हूँ उसी पढ़ाई के माध्यम से जो मेरे विचार हैं उसी विचारों को मैं अपने व्यवहारिक जीवन में ला कर इस चीज़ को आपके सामने अभिव्यक्त करने का पूरी तरीके से कोशिश किया जा रहा है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि किसी भी बुक की ये नकल नहीं की गई है। हाँ ये है कि जो मैंने चीज़ें पढ़ी है अलग अलग चीज़ों से उस सारी चीज़ों को एक जगह यहाँ पर कलेक्ट करने का प्रयास किया गया है मित्र। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप इससे कुछ प्रेरणा आपको मिलेगी, इससे सुनने का आप प्रयास करिएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए मित्र यहाँ पर लिखा है प्रकृति समाज व्यक्ति इंद्रियाँ संवेदना बुद्धि मन आत्मा परमात्मा कर्म सर्वोच्च शक्तिमान विधि का विधान और प्रार्थना। ये 13 यहाँ पे पॉइंट है मित्र, 13 पॉइंट है। और इन 13 पॉइंटों का आपस में क्या एक दूसरे से संबंध है, क्या एक दूसरे से संबंध है? प्रकृति समाज व्यक्ति इंद्रियां संवेदना बुद्धि मन आत्मा परमात्मा कर्म सर्वोच्च शक्तिमान विधि का विधान और प्रार्थना। हाँ मित्र, एक तरीके से आप देखेंगे कि ये जो आपको पूरा बना हुआ है ये आपके भौतिक जगत से लेकर आध्यात्मिक जगत तक के बीच की बात को कर रहा है। यानी कि भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत का संबंध किस प्रकार है और अध्यात्म जगत का भौतिक जगत से किस प्रकार का संबंध है, इस चीज़ को समझने का भी प्रयास हम करेंगे इन्हीं 13 बिंदुओं के माध्यम से। दूसरा ये कि यह लोक और परलोक, वही भौतिक जगत से लेकर अध्यात्म जगत तक के बीच का संबंध समझने का प्रयास करेंगे मित्र। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और निश्चित रूप से आपको ये फ़ायदा होगा और समझने का प्रयास करिएगा, एनालिसिस भी आप इसको करिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए मित्र यहाँ पर है प्रकृति। देखिए प्रकृति, अब ये जरा सोचिए कि प्रकृति की अगर आप बात कर रहे हैं तो प्रकृति का निर्माण कैसे होता है मित्र? अब ये चीज़ें समझने के लिए जैसे आप समझ रहे हो कि प्रकृति की अगर हम बात करें मित्र तो प्रकृति का निर्माण कैसे होता है, क्या प्रकृति, ये प्रकृति है कहाँ, ये प्रकृति आपकी पृथ्वी पर है मित्र, और ये पृथ्वी क्या है एक तरीके से, ये पृथ्वी एक तरीके से ग्रह है, और ये पृथ्वी किसके चक्कर लगाते हैं मित्र, सूर्य किसका चक्कर लगाता है मित्र, तो ये सूर्य का चक्कर लगाता है मित्र, और सूर्य किसका चक्कर लगाता है तो ये अपने गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, और गैलेक्सी की किसका चक्कर लगाता है तो ये गैलेक्सी जो है वह मित्र ब्रह्मांड का हिस्सा है। ध्यान में रखिएगा ये गैलेक्सी जो है ब्रह्मांड का हिस्सा है। अब इस चीज़ को ध्यान समझिए, जो प्रकृति का निर्माण हुआ है कहाँ हुआ है, ये पृथ्वी पर हुआ है, और पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य किसका चक्कर लगाती है तो ये एक तरीके से गैलेक्सी का भाग है, गैलेक्सी किसके अंदर है, ब्रह्मांड से। तो इसका मतलब क्या है कि कई गैलेक्सियों से मिलकर ब्रह्मांड बना हुआ है और कई सौरमंडल से मिलकर गैलेक्सी बनी हुई है, और अपने सौरमंडल का भाग कौन है, सूर्य है, और सूर्य में लगभग 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, और 8 ग्रह में एक आपका पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है मित्र। तो आप जानते हो मित्र कि हमारा जो पृथ्वी है, जैसे मान लेते हैं ये सूर्य है, तो पृथ्वी जो है वो 3रे नंबर पे यहाँ पर स्थित है। ठीक है मित्र, तो इसके जो दूरी है लगभग सूर्य से 15 करोड़ किमी की दूरी है मित्र। अब ये सूर्य से इतनी दूरी होने के नाते ही यहाँ पर किसका निर्माण हुआ है मित्र, प्रकृति का निर्माण हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हम तो पृथ्वी पर रह रहे हैं,
तो यहाँ पे जिस तरीके से बस्तियाँ बसी हुई, जिस तरीके से नदी हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, ठीक है, मानव हैं, तमाम प्रकार की यहाँ सभ्यताओं का जन्म हुआ है, तमाम प्रकार की यहाँ जो धारणाएँ का जन्म हुआ है, वो उसके पीछे किसकी भूमिका है? कहीं नहीं, कहीं इसके पीछे भूमिका किसकी? सूर्य से और पृथ्वी की बीच की दूरी से है। तो इसी तरीके से हमारे ब्रह्मांड में कई प्रकार के ग्रह हो सकते हैं और वहाँ के भी अपनी कोई प्रकृति का एक अलग रूप होगा। वहाँ किसी तरीके से पर्वत भी हो सकता है, किसी तरीके से पठार भी हो सकता है, हो सकता है कि कहीं नदियाँ नहीं हो, हो सकता है कि कहीं पर्वत नहीं हो, हो सकता है कि वहाँ के मानव का जीवन का काल लगभग 1000 वर्ष हो, 2000 वर्ष भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब उनकी जो सभ्यताएं हैं वो पृथ्वी की सभ्यताएं से बहुत ज़्यादा भिन्न भी हो सकती हैं और कहीं ना कहीं कुछ समानता भी देखने को मिल सकती है। जैसे मित्र, वही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में जो ब्रह्मांड है, एक्चुअली में ब्रह्मांड में क्या हर चीज़ एक जैसी घटनाएँ घट रही है? नहीं, हर चीज़ एक जैसी घटनाएं नहीं घट रही। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ न कुछ ऐसे जरूर अंश हैं जो हर पिंड में कहीं ना कहीं विद्यमान हैं और वो पिंड मुझे किसी न किसी तरीके से एहसास दिलाने का प्रयास करती है। मित्र, जैसे देखिए, आपके यहाँ रूल क्या है? आपके समाज में ढेर सारे रूल हैं, जैसे नदियाँ यहाँ पे पानी इस तरीके से बहती है, हो सकता है किसी ग्रह पर पानी दूसरे तरीके से बहता हो, हो सकता है यहाँ आग में जाने पर आप तुरंत जल जाते हो, सकता है दूसरी जगह आग में जाने पर आप जल नहीं पाते होंगे। यानी कहने का मतलब वहाँ का जो एक तरीके से इन्वायरमेंट होगा, वहाँ के जो ये आपके पंच तत्व हैं वो अलग अलग नेचर के होंगे, अलग अलग वो व्यवहार करते होंगे। कहने का मतलब वो पृथ्वी से कुछ अलग तरीके से व्यवहार करते होंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण क्या हो सकता है मित्रों? उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे आपका सूर्य पृथ्वी है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कुछ और है, पृथ्वी अपने अक्षांश में कुछ दूसरी तरीके से झुकी हुई है, तो यहाँ पर प्रकृति का निर्माण भी दूसरे तरीके से हुआ होगा। उसी तरीके से दूसरे ग्रह पर भी एक अलग तरीके की चीज़ हुई होगी। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें यहाँ पे विद्यमान हैं वो चीज़ें किसी अन्य जगह विद्यमान होंगे। तो ये अब सवाल ये उठता है कि सबको नियंत्रित करने वाला कौन होगा? तो सबको नियंत्रित करने वाला एक कोई न कोई सुपर नेचुरल पावर होगा। जी हाँ, तो यही आपको समझना है कि आखिर में सुपर नेचुरल पावर कौन है, कौन है वो सुपर नेचुरल पावर, किसके अंदर वो सुपर नेचुरल पावर है? और एक चीज़, क्या जो इंसान है इस इंसान के अंदर आत्मा जैसी कोई चीज़ होती है, कोई आत्मा चीज जैसी चीज़ें होती है? देखिए मित्र, मैंने कहा कि नाम जो शब्द हैं, हम लोगों का शब्द अलग अलग है, लेकिन हो सकता है कि जो चीज़ जो हम भाव व्यक्त कर रहे हैं वही भाव हर ग्रहों पर उपस्थित हो, लेकिन उनका नाम जो है वो अलग अलग है। यही सारे नाम वहाँ पर भी होंगे, लेकिन भाव जो होंगे, नाम अलग होंगे, लेकिन भाव उसके क्या होंगे? यही होंगे। यही विचारधाराएं उनके अंदर अंदर भी उठती होंगी। तो विचार और भावनाएं उठना बंद नहीं होंगी, नामकरण और भाषा जो होगा वह उनका अलग अलग होगा। ऐसा यहाँ पे भी आप देख सकते हो, हम लोगों की भाषा कुछ हिंदी है, दूसरे जगह की भाषा कुछ और है, तीसरे जगह की भाषा कुछ और है, तमाम प्रकार की, इसी पृथ्वी पे भी देख सकते हो तमाम प्रकार की ऐसी भाषाएं हैं जो हम एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन नाम जो होगा, जो भावनाएं उठती होंगी, वो सबकी भावनाएं क्या होती होंगी? समान होती होंगी। उनके भी अंदर आत्मा की बात हो रही हो, उनके अंदर भी परमात्मा की बात हो रही है, लेकिन शब्द क्या होगा? अलग अलग होगा। इसी तरीके से हर ग्रह पर भी इस तरीके की विचारधाराएं उत्पन्न होती होंगी। हाँ, नेचर जो होगा वो अलग अलग तरीके से होगा, जिस तरीके से जहाँ से नेचर होगा उस तरीके से वहाँ रूल बनते होंगे, उस तरीके से वहाँ नियम और कानून बनते होंगे, लेकिन वहाँ का नियम कानून कौन बनाता होगा? वहाँ का समाज बनाता होगा। लेकिन सुपर नेचुरल पावर सभी ग्रहों पर एक अपना अलग नियम और कानून बनाता है कि वहाँ का ग्रेविटी फोर्स कैसा होना चाहिए, वहाँ के विद्युत चुंबकीय फोर्स कैसा होना चाहिए, वहाँ पिंडों का वेग कितना होना चाहिए, और मानो अपने बुद्धि के निर्माण करके इसको समझने के लिए अलग अलग चीज़ों की खोज किया हुआ है और अलग अलग उसने मापदंड तैयार किया हुआ है। ठीक है मित्र, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे आपने माप मान लिया कि 1 किमी = 1000 किलोमीटर, हो सकता है कि दूसरे जगह 1 किलोमीटर बराबर हो सकता है कि 10000 मीटर होगा। अलग अलग चीज़ें होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है, लेकिन बुध ग्रह का चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है।
तमाम प्रकार की इस तरीके की नेचर भावनाएं होंगी। तो मुझे लगता है कि आप के मन में जो अभी ये प्रकृति के बारे में मैंने चर्चा किया मित्र, ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वो एक ब्रह्मांड का हिस्सा होता है। वो एक पिंड दूसरे पिंड से दूरी, किस प्रकार की दूरी पर है, कितने दूरी पर है, उनके संबंध उनकी दूरी पर निर्भर करता है। जैसे आपका संबंध आपके करीबियों से और दूरी पर निर्भर करता है, उसी तरीके से पिंडों की भी दूरी के आधार पर उनका नेचर डिपेंड करता है। और उसी के आधार पर जो सुपर नेचुरल पावर होती है वो अपने और नियम और कानून बनाती है। जिस तरीके से नियम कानून यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग अपने समाज में रहने वाले लोगों को देखते हुए बनाती है, उसी तरीके से सुपर नेचुरल पावर जो है वो विभिन्न प्रकार के ग्रहों को दूरी को देखते हुए या उनको अलग अलग दूरी पर एडजस्ट करके नियम और कानून बनाती है। तो मुझे लगता है मित्र कि ये जो सारी चीज़ें अभी तक आपके सामने चर्चा की गई, इससे थोड़ा से आपका दिमाग यहाँ पर खुला होगा कि आखिर में बातें किसकी हो रही हैं, ये लोक से परलोक तक की जाने की। ठीक है मित्र, तो अब देखिए सवाल ये है, समाज, व्यक्ति, इंद्रियां, संवेदना, बुद्धि, मन, आत्मा, परमात्मा, कर्म, सर्वोच्च शक्तिमान, विधि का विधान और प्रार्थना। जी हाँ, देखिए मित्र, ये जो एक सीक्वेंस मैंने आपको सामने प्रस्तुत किया, तो ये एक सीक्वेंस जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं इसकी बढ़ती हुई शक्तियों को दर्शाती है, इसकी बढ़ती हुई शक्तियों को दर्शाती है। उसी चीज़ को समझना है, तो हम पृथ्वीवासी हैं, तो हम पृथ्वीवासी जो हैं हम अपने ही समाज के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेंगे। यही चीज़ दूसरे ग्रह पर यही भाव उत्पन्न हो सकते हैं जो भाव हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा मेरा अपना मानना है। ऐसा मेरा अपना मानने का मतलब ये है कि जो चीज़ें मैंने अपने अनुभव से सीखा है, जो चीज़ें मैंने अपने बुद्धि से सीखा है, वही चीज़ आपके सामने प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको भी आप समझने का प्रयास करिएगा। तो आइए हम सारे चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। देखिए मित्र, यहाँ पर क्या है, समाज, व्यक्ति, इंद्रियां और संवेदना। तो देखिए मित्र होता क्या है, जैसे मान लेते हैं एक शब्द मैंने लिखा है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखा है कि सारी चीज़ों के संदर्भ में देखेंगे, एक चीज़ आता है कि व्यक्ति है ये। मान लेते हैं पहले हम किसको माने, हम ये मान लेते हैं कि हम यहाँ पर व्यक्ति को लेते हैं। अब जरा समझिए, ये व्यक्ति किसके बीच में, ये व्यक्ति समाज के बीच में है, और ये व्यक्ति कहाँ है, ये व्यक्ति प्रकृति के बीच में है। तो ये प्रकृति है और ये समाज है मित्र। ठीक है, और देखिए व्यक्ति के अंदर क्या है, ये व्यक्ति, और इसी व्यक्ति के अंदर क्या है, अब इस चीज़ को देख लेते हैं मित्र, इसका थोड़ा सा अलग तरीके से बना लेते हैं। ये व्यक्ति के पास अपना क्या है, इस व्यक्ति के पास अपना एक शरीर है, और इस शरीर के अंदर निवास करने वाले आप जानते हैं कि मैंने वहाँ पर लिखा है इंद्रियाँ। अब ये इनकी इंद्रियाँ हैं, फिर मैंने एक चीज़ लिखा है मित्र, इनकी बुद्धि। जी हाँ, बुद्धि, और एक चीज़ मैंने लिखा है मन, ये चीज़ मैंने लिखा हुआ। तो देखिए मित्र होता क्या है, जो समाज है, ये समाज के संदर्भ में अगर हम बात कर लेते हैं तो समाज में विभिन्न प्रकार की धारणा होती है। जी हाँ, आप देखिए विभिन्न प्रकार की धारणा होती है। अब जरा इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए मित्र, धारणा एक्चुअली में क्या होता है, धर्म से रिलेटेड है। धारणा, जो चीज़ हम धारण करते हैं वही धर्म है। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आप जानते हैं कि कई धर्म हैं, कई धर्म हैं, और यहाँ पर कई तरह के संप्रदाय हैं। अच्छा, ये जो कई धर्म हैं, कई संप्रदाय हैं, ये किससे प्रेरित है मित्र, ये जहाँ का जैसा भूभाग होगा, जहाँ का जैसा कल्चर हुआ होगा, मेरे अकॉर्डिंग उस भूभाग से प्रेरित होकर ये चीज़ें बनाई गई। और इसमें कुछ समाज के वर्ग के लोग होते हैं, प्रकृति को देखते हुए और अपना हित को देखते हुए, अपना हित को देखते हुए इन्होंने एक अपनी धारणा बना दी, और जिसको नाम इन्होंने दे दिया धर्म। जी मित्र, अब इन्होंने धर्म दे दिया, अब ये व्यक्ति क्या है, व्यक्ति जो है एक्चुअली में क्या है कि
हमारी आत्माएं जो होती है, जैसे आपने सुना होगा कि 84 लाख योनियों से होकर आती है, उसके पीछे भी मेरा लॉजिक है, वो लॉजिक भी हम आपको कभी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए मित्र, ये जो इंद्रियाँ होती हैं, पहले हम इंद्रियों को समझ लेते हैं। जो ये इंद्रियाँ होती हैं, ये इंद्रियाँ क्या हैं? ये आपकी इंद्रियाँ क्या हैं? आपके आँख हैं, आपके कान हैं, आपके नाक और आपकी त्वचा भी हैं। ठीक है मित्र, तो ये इस तरीके से आपकी जीभ भी एक तरीके से ये भी हो सकती है। ठीक है मित्र, तो ये इंद्रियां हैं। अब ये जो इंद्रियां हैं, इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से आप किसी चीज़ को क्या करते हैं? किसी चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं मित्र। अब जरा सुनिए, किसी चीज़ को आप सीखने का प्रयास करेंगे। अब ये सीखेंगे किसके? ये सीखने का प्रयास जो करेंगे, ये सारी संवेदनाएं और ये सारी संवेदनाएं ट्रांसफर होकर कहाँ जाएंगी? आपके बुद्धि में जाती है। ध्यान से रखिएगा मित्र, जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो समाज में, कहाँ से सीख रहे हो? यहाँ से सीख रहे हैं आप। अब यहाँ से जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, ये कहाँ जा रही हैं? ये चीज़ें आपकी बुद्धि में जा रही हैं। अब ये जो बुद्धि है, ये जो बुद्धि है, ये आपका क्या हो गया मित्र? जो चीज़ें आपने सीखा, ये अनुभव से सीखा। ये जो सीख रहे हैं, ये अनुभव है। अब इस अनुभव में निर्णय लेने के लिए एक चीज़ है इसमें आपके पास, क्या? इसमें ही आपके पास एक चीज़ है, आपकी अंतर्चेतना। ये अंतर्चेतना बहुत ही सूक्ष्म तरीके से होती है, जिसको हम आत्मा के रूप में जानते हैं मित्र। हाँ, आत्मा के रूप में जानते हैं। अभी मैं इसको डिफाइन करूँगा आपके सामने, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को सुनिएगा। ये आत्मा होती है, ये आत्मा होती है जो ये चीज़ें बताती है कि ये आपके लिए कितना अनुकूल है और ये आपके लिए कितना प्रतिकूल है। लेकिन सवाल ये होता है कि बहुत सारे ऐसे दिमागदार होते हैं, जिनके अंदर बुद्धि होती है, जो प्रतिकूल चीज़ों से बच नहीं पाते हैं, वो अपना लेते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रतिकूल चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग अनुकूल बना लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग अनुकूल बना लेते हैं। अब बहुत लोग प्रतिकूल स्थिति में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, उसी में ढल जाते हैं मित्र। यानी कि एक तरीके से उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए सही नहीं होता है। अब बहुत लोगों को अनुकूल वातावरण भी मिलता है, लेकिन वो अपने आप को प्रतिकूल बना लेते हैं। एक्चुअली में ये क्या है मित्र? ये एक अनुभव है, लेकिन आप किस चीज़ को सीख रहे हो कितना ज़्यादा, इसमें एक चीज़ बहुत सूक्ष्म तरीके से आपके अंदर बैठी होती है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। और ये एक जन्म से दूसरे जन्म तक कहीं ना कहीं ये ट्रांसफ़र होती रहती है। इस चीज़ का प्रमाण तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन आप इस चीज़ को जब समाज में घटने वाली घटनाओं को देखेंगे, जो भी आप अपने जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी होंगी उस पर विचार करेंगे और विभिन्न विचारकों की धारणाओं को पढ़ेंगे, तो आप इस चीज़ को एनालिसिस कर लेंगे। हाँ, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हमारे अंदर होती है जो ऑलरेडी हम जानते भी नहीं हैं इसके बारे में, लेकिन उस चीज़ का एहसास मुझे बार बार होता है। मैंने कभी नहीं देखा है, मैंने कभी नहीं सुना है इस जन्म में, लेकिन कभी न कभी उस चीज़ का मुझे इस चीज़ का एहसास होता रहता है। वो हमारे अंदर की क्या होती है मित्र? आत्मा होती है। जब इसे अनुभव को और आत्मा, इस आत्मा की बात सुन लेते हैं और समाज की ये जो धारणा है मित्र, इसी धारणा को सुन लेते हैं, तो इसी को हम एक ज्ञान कहते हैं। जी मित्र, इसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब ये होता है, जिस अनुभव को, जो समाज में घटने होने वाली, जो घटने वाली घटनाएं, जो धारणाएं, उन धारणाओं को अनुभव के माध्यम से सीखना और प्लस उसको बुद्धि का समर्थन प्राप्त कर देना ही वो हमारा ज्ञान बन जाता है। लेकिन बुद्धि का समर्थन प्राप्त करने में कहीं ना कहीं आत्मा भी इन्वॉल्व होती है, आत्मा भी इन्वॉल्व होती है। जैसा मैंने कहा
कि ये जो आत्मा होती है कई जन्मों के रूप में ट्रांसफर होती रहती है, जैसे हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं या कुछ ऐसे हमारे मन में प्रश्न आते रहते हैं जिसको एक तरीके से वो मैंने कभी नहीं देखा है, कभी नहीं सुना है, लेकिन वो मुझे एहसास होता रहता है मित्र, वो मुझे एहसास होता रहता है। और जब इस एहसास को हम समाज में जो धारणाएं हैं उस चीज़ का विरोध करें या उस चीज़ को अपना लें, विरोध करते हुए अपनाएं, तो उस चीज़ को हम ज्ञान कहते हैं। सिर्फ सीख लेने मात्र से हम उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। अगर मेरी आत्मा उस चीज़ को, मेरी बुद्धि, आत्मा का मतलब यहाँ मैं बुद्धि से ही कहूँगा मित्र, उस चीज़ को अगर हमारी आत्मा नहीं एडॉप्ट कर रही है तो इसका मतलब हम उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। जैसे कहने का मतलब ये होता है कि जैसे आप इस तरीके से समझिए कि आप किसी चीज़ को, आपका मन तो उसको मान लिया है, लेकिन आपका मत जो है उस चीज़ को इजाज़त नहीं दे रहा है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हो रही हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें ये गलत हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो आपको एक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें आ जाएं, मिल जाएं, तो आप समझ लीजिए कि ज्ञान की प्राप्ति आपको हो गई है। दोनों का समर्थन होना चाहिए मित्र। ठीक, अब आइए हम आपके सामने एक उदाहरण और प्रस्तुत करते हैं। देखिए मित्र, जैसे इस चीज को समझने का प्रयास करिए, जैसे मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, उसको अभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन इस व्यक्ति तो कई होते हैं और एक व्यक्ति में जो आत्माएं होती हैं ये कई भी होती हैं। हर व्यक्ति में अपनी आत्मा का लेवल जो होता है मित्र अलग अलग होता है, यानी कि जो एक बुद्धि होती है ये अलग अलग होती है। अनुभव की बात नहीं कर रहे हैं, बुद्धि की बात कर रहे हैं। अब ये जो आत्माएं होती हैं इनमें से आप देखे होंगे कि व्यक्ति के अंदर तीन गुण पाए जाते हैं मित्र। एक व्यक्ति के अंदर तीन गुण पाए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप इस चीज़ को ज़रा देखिए, अगर एक व्यक्ति में रजो का गुण, एक सत्व का गुण और एक तम का गुण पाया जाता है, तो रजो का मतलब ये होगा इसका पूरा संबंध किससे है मित्र, अर्थ से है। इसका पूरा मतलब किससे है मित्र, धर्म से है। यानी कि सत्व मतलब पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से है। धर्म का मतलब एक तरीके से यहां पे पुरुषार्थ से है, जो मानव कल्याण के रूप में हो मित्र, जो मानव कल्याण के रूप में हो वही सत्व का गुण होता है। और तामसिक का मतलब जो एक तरीके से वासना कामुकता पूर्ण व्यक्ति हो, जो कामुकता की तरफ ज्यादा उन्मुख हो। अब जरा समझते हैं मित्र, ये जो व्यक्ति होता है आप जरा देखिए, इसके अंदर ऑलरेडी तीन गुण होते हैं। अब मान लेते हैं कि कुछ इसी व्यक्ति का जन्म एक बहुत ही गड़बड़ संस्कार में होता है, आप मान लीजिए कि दूषित संस्कार, और एक तरफ हम मान लेते हैं कि बहुत अच्छा संस्कार, इसका जन्म बहुत अच्छा संस्कार में होता है, बहुत अच्छा संस्कार में होता है। लेकिन जरा सोचिए मित्र, ये तीनों गुण की बात आप करेंगे तो बहुत सारे व्यक्ति दूसरे संस्कार में होने के बाद भी ये सत्व को प्राप्त करते हैं, सत्व को प्राप्त करते हैं, और इनका अच्छा संस्कार होता है तब भी ये तम को प्राप्त कर लेते हैं, रजो को प्राप्त कर लेते हैं मित्र, और दूसरे संस्कार वाला सत्व को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके पास बुद्धि थी, जो बुद्धि थी, ये बुद्धि जन्मजात से काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होती है। अब ये इनका तो अनुभव तो अच्छा था ना मित्र, ये अच्छा संस्कार का मतलब इनके पास अच्छा अनुभव था, इनके पास तो अच्छा अनुभव था, लेकिन इनकी जो बुद्धि थी, इनकी बुद्धि किस प्रवृत्ति की थी, तामसिक प्रकृति की थी। इसलिए अनुभव अच्छा होने के बाद भी, अनुकूल वातावरण मिलने के बाद भी
ये प्रतिकूल बन जाते हैं मित्र। और यहां पर प्रतिकूल वातावरण होने के बाद भी यहां पर यह व्यक्ति अनुकूल बन जाता है मित्र। तो इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञान की जो प्राप्ति होती है, उस ज्ञान की प्राप्ति में आपके अंदर जो निहित आत्मा है, इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह अनुभव और बुद्धि के माध्यम से होती है, बुद्धि के माध्यम से होती है। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी सुना होगा, राक्षस हिरण्यकश्यप के घर में भक्त प्रह्लाद का पैदा हो जाना, बहुत दूषित संस्कार था, लेकिन वो सत्व गुण लेकर उत्पन्न हुए। क्यों मित्र? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, कुछ न कुछ जन्मजात रूप से उसकी बुद्धि उस सत्व की तरफ जा रही होगी। और जहां दोनों का सिचुएशन अच्छा मिल जाता है वो और सुप्रीमो हो जाता है। तो आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये नहीं कह सकते कि जिस व्यक्ति के घर में अच्छा संस्कार हो वही सत्व को प्राप्त कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता, ऐसा गलत है। आखिर में एकलव्य, तो एकलव्य की बात कर लीजिए आप, एकलव्य तो बहुत एक तरीके से निम्न कृष्ट के घर में पैदा हुए थे, लेकिन इतना बड़ा धनुर्धर कैसे हो गए वो? क्या वो अनुभव था उनके घर में वो सारा वातावरण? अर्जुन को मान सकते हैं कि अनुभव था, अचीव कर लिए, लेकिन एकलव्य कैसे हो गए? तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो आत्मा के रूप में वो बुद्धि जन्मजात रूप से वो चीजें आती हैं। ये अधिकांश, ये कुछ विशेष व्यक्तियों में आपको देखने को मिल जाता होगा कि जन्म से ही वो बहुत ज्यादा खुशाग्र होते हैं, खुशल होते हैं, निपुण होते हैं। तो यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी मित्र। क्या क्या? प्रकृति के बारे में मैंने आपको समझा दिया, समाज ये दोनों जगह से धारणा व्यक्ति को प्राप्त करता है, इंद्रियां उसको ग्रहण करती है, संवेदना के माध्यम से व्यक्ति सीखने का प्रयास करता है और बुद्धि उसमें तारतम्यता बैठाने का प्रयास करता है, जो अभी मैंने बताया। इसके बाद मन, मन का मतलब वही भावनाएं, उसके अंदर की जो रसें हैं उस संदर्भ में हम बात कर लेते हैं कि उसके तमाम प्रकार के ये मित्र रस होते हैं, उस चीज को हम देख लेते हैं, उसी चीज को हम देख लेते हैं कि रस जैसे क्रोध हो गया, घृणा हो गया, डरपोक हो गया, साहस हो गया, वीर हो गया, तमाम प्रकार के उसके मन में जो भावनाएं उठते हैं, वो भावनाएं जो उठती हैं, ये जो भावनाएं उठती हैं मन में, ये भावनाएं जो मन में उठती हैं मित्र, ये इन्हीं जो समाज और प्रकृति के द्वारा जो धारणा बनी होती है और ये जो संवेदना के माध्यम से यहाँ पे आती है वही भाव उठती हैं। लेकिन कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? बुद्धि करती है। और इसी बुद्धि के रूप में एक सूक्ष्म चीजें होती है मित्र, जिसको हम आत्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं। जहां पापियों के घर में भी भक्त पैदा होते हैं, जहां कोई अच्छा संस्कार नहीं होता है, लेकिन तब भी वहां पर अच्छे गुणीवान व्यक्ति दिखाई देते हैं जो जन्म से ही निपुण और खुशक होते रहे। क्यों? क्या है वो? क्या एक हो गए? उनके परिवार में कोई नहीं था, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी में कोई ऐसा नहीं था, वो कैसे एकाएक हो गया? एक सोचने का विषय है मित्र। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि कुछ चीजें ऐसे होते हैं जिसका मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है, लेकिन अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं का अगर आप बारीकी तरीके से विश्लेषण करेंगे तो आपको इस चीज का एहसास होगा, निश्चित रूप से एहसास होगा। हाँ, आत्माएं किसी के अंदर जो होती है, बुद्धि जो होती है, वो हमेशा सही दिशा बनाती है, लेकिन किसी का प्रबल होता है तो किसी का दुर्बल होता है। और वो प्रबल और दुर्बल क्यों होता है आत्माओं का? मतलब जो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, जो अपने आप के बुद्धि के माध्यम से कंट्रोल नहीं कर पाता है, प्रबल और दुर्बल कैसे होता है? अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे, अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि किसकी आत्माएं प्रबल होती हैं और किसकी आत्माएं दुर्बल होती हैं मित्र।
किसकी प्रबल होती है, किसकी दुर्बल होती है, उस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे और बहुत एनालिसिस अप्रोच से करेंगे। तो मुझे ये लगा कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ऐसा मैं मान रहा हूँ। कहाँ तक? यहाँ तक। प्रकृति के बारे में अभी मैंने समझाया, समाज लोग यहाँ पे धारणा बनाए हैं, धारणा लोग अपने अपने रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। इसके बाद संवेदना क्या होती है, इंद्रियां क्या होती है, बुद्धि क्या होती है, मन क्या होता है, और बुद्धि में एक सूक्ष्म अवचेतन की अवस्था में जो पीढ़ी दर पीढ़ी आती है वही चीज़ आपकी आत्मा होती है। मित्र, इतनी बातें तो आप समझ गए होंगे। ठीक, आइए फिर हम आगे चर्चा करते हैं परमात्मा के बारे में। देखिए मित्र, अब सवाल ये होता है परमात्मा, अब ये होता है कि परमात्मा क्या है? परमात्मा एक होते हैं कि दो होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि परमात्मा एक होते हैं कि दो होते हैं मित्र, तो मेरे अकॉर्डिंग परमात्मा कई होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग देखिए मित्र, जो परमात्मा है कि अगर आप बात करते हो, ये जो परमात्मा होते हैं, ये आत्मा, जो आत्मा होती है, जिसे आप समझ सकते हैं, मैंने कहा कि ब्रह्मांड, जरा समझने का प्रयास करिएगा मित्र, ब्रह्मांड में मैंने सिर्फ एक ग्रह की बात कर लेता हूँ, मैं पृथ्वी की भी बात कर लेता हूँ, और पृथ्वी पर यहाँ पर समस्त जीव की बात कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मित्र मैं समस्त जीव की बात कर ले रहा हूँ। अब इन समस्त जीवों में ये न जाने कई पीढ़ी में इनकी आत्माएं इन्वॉल्व होगी, कई पीढ़ी से आ रहे हैं, इनकी आत्माएं हो रही होंगी। अब इनमें जो कई पीढ़ी होंगी, तो हर लोग के व्यक्ति में क्या होता है, एक ज्ञान मित्र, एक ज्ञान होता है, और ये ज्ञान जिसका उच्च कोटि का होगा उसकी आत्माएं जो होती हैं वो प्रबल हो जाती हैं, आत्माएं जो होती हैं वो प्रबल हो जाती हैं, और यही प्रबल जो होती हैं आत्माएं, यही परमात्मा का रूप धारण कर लेती हैं। कैसे धारण करती हैं, अभी मैं वो भी बताऊंगा। तो जो प्रबल होती हैं वो भी कई रूप में ये धारण कर लेती हैं, कई धारण कर लेती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि परमात्माएं जो होती हैं वो सर्वोच्च रूप होंगे, ये भी कहीं ना कहीं बड़ी शक्ति के रूप में होगी, बड़ी शक्ति के रूप में इनको दायित्व दिया जाता है। जैसे आप मंत्रिपरिषद में देख लीजिए, मंत्रिपरिषद में कुछ लोग मंत्रिमंडल के रूप में होते हैं और कुछ लोग राज्य मंत्री के रूप में होते हैं मित्र, और कुछ तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो मान लेते हैं कि सुप्रीमो कौन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च शक्ति जो मान लेते हैं, यहाँ पर सर्वोच्च शक्तिमान है, यहाँ पर देखिए मित्र, सर्वोच्च शक्तिमान ये सुप्रीमो है, और परमात्मा मतलब एक तरीके से मंत्रिमंडल, और आत्मा का मतलब जो प्रबल के रूप में दुर्बल के रूप में आते हैं, जो मंत्रिपरिषद के रूप में, परमात्मा के रूप में मंत्रिमंडल के रूप में जाते हैं, और इनके अपने भी अलग अलग इनके विभाग होते हैं मित्र, इनके भी अलग अलग विभाग होते हैं, इनके भी अलग अलग दायित्व होते हैं, इनके अलग अलग दायित्व होते हैं। इनको भी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं इनके उत्तरदायित्व को बताया गया है। मेरे अनुसार परमात्मा भी कई हैं। हाँ, पावर जो दिया गया है उनको उनके पद के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से दिया गया है, और मैंने बताया कि इन्हीं आत्माओं में जो सर्वोच्च रूप से प्रबल रूप से होता है, सर्वोच्च का रूप का मतलब मित्र, जिसने सत्व को प्राप्त कर लिया है, सत्व को प्राप्त कर लिया है, जिसने धर्म को प्राप्त कर लिया है, जिसने पुरुषार्थ को प्राप्त कर लिया है, उसी की आत्माएं प्रबल होंगी और वही परमात्मा का रूप धारण करेंगे, और यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। जब आप प्रबलता को प्राप्त करेंगे ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के ही माध्यम से प्रबलता आएगी, सत्व आएगा, धर्म आएगा, इसी के माध्यम से मित्र
आप स्वर्ग की प्राप्ति करोगे और आपको एक उच्च विभाग मिलेगा जिसको हम परमात्मा के रूप में जानते हैं। ये आप इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। और जितना बड़ा उत्तरदायित्व होगा उतना ही बड़ा इनका कार्य भी होता है और उतना ही बड़ा ये सुख की भी प्राप्ति करते हैं। लेकिन इस स्तर से होकर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है मित्र, तो इस चीज को आप थोड़ा समझने का यहां पर प्रयास करिएगा। अब आते हैं आगे, जैसे ये परमात्मा हो गया। एक चीज मैंने यहां पर लिखा है मित्र, कर्म। हाँ, कर्म की बात अगर हम कर लेते हैं तो कर्म के भी बारे में जरा आप सोचिए कि कर्म क्या है। मित्र, जैसे यहां पे हम कर्म की बात कर लेते हैं तो देखिए, कर्म सबसे सुप्रीमो है। जैसे तमाम प्रकार की आत्माएं हैं, परमात्मा हैं, सब एक कर्म है। अब जरा इस चीज को देखिए मित्र, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे सर्वोच्च शक्तिमान जो है वो तो है ही है, एक्चुअली में ये कर्म कौन बनाता है? जैसे मान लेते हैं कर्म आपके समाज का है, आपका परिवार में। जैसे कुछ चीजें हैं, कर्म आप कहाँ करते हो? कर्म आप परिवार के रूप में करते हो, कर्म आप अपने समाज के प्रति करते हो, कर्म आप अपने देश के प्रति करते हो मित्र। इसी तरीके से कर्म परमात्मा का भी होता है। ये मान लेते हैं आत्मा का भाग हो गया अपने अपने समाज में, सूक्ष्म आत्मा की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से परमात्मा का भी होता है। मैं मान लेता हूँ कि पृथ्वी लोक का एक ही परमात्मा है, आठों ग्रह के अलग अलग परमात्मा है, ऐसा मैं कल्पना कर ले रहा हूँ। तो पृथ्वी का जो परमात्मा होगा, जो इन लोगों को कंट्रोल करता होगा, जो इन लोगों का मित्र कंट्रोल करता होगा, ये जो परमात्मा है इसको नियंत्रित, इसका भी अपना कर्म है। तो इस चीज को थोड़ा से ध्यान में रखिएगा। तो थोड़ा अभी कुछ समय बाद हम फिर आपसे चर्चा कर रहे हैं मित्र, 5 मिनट का ब्रेक। हेलो मित्र, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे। देखिए मित्र, मैंने पहले पार्ट में जो चर्चा किया था, ये जो भौतिक जगत से अध्यात्म जगत की तरफ जो विचारधाराओं का मंथन है, इस संदर्भ में टॉपिक में चर्चा हो रही थी। और ये टॉपिक सिर्फ भौतिक जगत से अध्यात्म जगत की तरफ जाने के संदर्भ नहीं है, ये एक तरीके से एक ऐसा वीडियो है जो आपको एकाग्रचित करके आपके अंदर गति लाने के लिए प्रेरित करेगा और एक तरीके से आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगा। तो मित्र, इसके पहले आपने वीडियो में देखा था, इसके फर्स्ट वाले पार्ट में आपने ये देखा था कि प्रकृति, समाज, व्यक्ति और उससे संबंधित धारणा और धारणा का प्रभाव किस तरीके से व्यक्ति के संवेदना पर पड़ता है, किस तरीके से उसके मन पर पड़ता है और किस तरीके से बुद्धि उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है और उस बुद्धि का संबंध उसके अंतरचेतना यानी कि आत्मा से किस प्रकार होता है और एक ज्ञान का निर्माण किस प्रकार से होता है। इसके साथ ही आपने ये भी देखा था कि किस तरीके से आत्मा परमात्मा के रूप में तब्दील होती है और जिस तरीके से हर व्यक्तियों में अंतःचेतना की जो गुणात्मक व्यवस्था होती है वो उनके कर्मों के आधार पर अलग अलग होती है और उसी के आधार पर उनको एक अलग दायित्व मिला रहता है और उन्हीं दायित्वों में से जो आत्मा प्रबल हो जाती है वही एक तरीके से परमात्मा का रूप धारण कर लेती है। बड़ी चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा मैंने आपको एक एग्जाम्पल मंत्री परिषद के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था
कि किस तरीके से हम सर्वोच्च शक्तिमान को समझेंगे, सुपर नेचुरल पावर को समझेंगे, किस तरीके से हम परमात्मा को समझेंगे और किस तरीके से आत्मा को समझेंगे। यहाँ तक हमारी टॉपिक पर चर्चा हुई थी मित्र, और मैंने आपको ये बताया था कि इनका जो निर्धारण होता है वो कर्म के द्वारा होता है। तो कर्म के आगे के टॉपिक हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये इस वीडियो में ही से जुड़ा हुआ है सारी चीज़ें, उसके आगे की चीज़ें हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट टू के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए मित्र, जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपने यहाँ देखा था कि ये कर्म ही एक्चुअली में ये कर्म ही निर्धारित करता है कि किस प्रकार के परमात्मा को किस तरीके से उत्तरदायित्व मिलेगा। यानी कह सकते हैं मित्र, जो ये कर्म है, ये कर्म ही सारे पावर को, यानी कि जो सुपर शक्ति है, इस सुपर शक्ति का भी निर्धारण कौन करता है? कर्म करता है। और जो परमात्मा होते हैं, इस परमात्मा का भी निर्धारण सुपर शक्ति करता है, कर्म करता है। और जो ये आत्मा होती है, इनका भी निर्धारण कर्म ही करता है मित्र। हाँ, ये जो होते हैं इनके पास बहुत बड़ी पावर होती है, ये बात अलग होती है। और मेरा मानना ये है कि जो सुपर शक्ति होती है पूरे ब्रह्मांड में, जो सुपर शक्ति है वो एक्चुअली में एक ही होगी, लेकिन परमात्मा जो होंगे वो कई हैं, और आत्मा जो होती हैं वो अनगिनत होती हैं। यानी कि आत्मा भी कई होती हैं, लेकिन इसमें से ही उभर कर परमात्मा का निर्माण होता है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया था अगले वाले वीडियो में, कि मान लेते हैं कि इस खंड में आत्मा होगी, यहाँ पे परमात्मा होगी और यहाँ पे आत्मा होगी, तो परमात्मा की संख्या कम ही होगी, क्योंकि ऊपर रज की आत्मा की संख्या बहुत ढेर सारे होती हैं और इसमें ढेर सारे दुर्बल और प्रबल होते हैं, और इन्हीं में आपस में जिनके कर्म अच्छे होते हैं उन्हीं के माध्यम से परमात्मा के रूप में ये तब्दील हो जाते हैं, परमात्मा के रूप तब्दील हो जाते हैं, और इनका भी दायित्व अलग अलग तरीके से होता है मित्र। जैसे अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझने के प्रयास करें कि पूरे ब्रह्मांड का मालिक कोई एक ही होता है, लेकिन मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि परमात्मा कई का मतलब ये भी अलग अलग सुप्रीमों के, मान लेते हैं कि आप अपने सौरमंडल को ले लीजिए, तो सौरमंडल में मान लेते हैं 8 ग्रह हैं और इनके सबके अपने अपने परमात्मा होंगे, लेकिन इन 8 ग्रहों में जो सुप्रीमो होगा उनका परमात्मा, यानी कि सबका कौन होगा? सूर्य होगा। इससे बड़ा जो परमात्मा होगा वो आपकी गैलेक्सी हो जाएगी। तो इस तरीके से सुप्रीमो जो होगा, सुपर शक्ति जो होगा, वो एक ही होगा जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रही होगी, ठीक है मित्र। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपको एक सुपर शक्ति, एक परमात्मा की भी कई कैटेगरी होते हैं, तो उस कैटेगरी में जाने के लिए आपको अपने आप को कितना ज़्यादा प्रबल बनाना होगा, कितना ज़्यादा प्रबल बनाना होगा। अब प्रबल बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है मित्र? कर्म। ये कर्म ही आपके लिए वो पूंजी होती है। हाँ मित्र, ये कर्म आपकी वो पूंजी होती है जो आपको एक प्रबल आत्मा के रूप में तब्दील करके एक परमात्मा तक ले जाने का प्रयास है करेगा मित्र। ध्यान से सुनिएगा मित्र। लेकिन अब देखिए मित्र, हमारे समाज में क्या है? हमारे समाज में जो कर्म बनाए गए हैं कौन बनाया गया है? हम लोगों के लिए कर्म कौन बनाया गया? धारणा बनी हुई मित्र। यहाँ कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं जो हमको अपने समाज, अपने देश, अपने परिवार, ठीक है मित्र, इस अकॉर्डिंग नियम बनाए गए हैं, उसी नियम के आधार पर हम अपने कर्मों का पालन करते हैं। अब उसमें जो मूल्य होते हैं, वो मूल्य जो होते हैं उसमें ढेर सारे सकारात्मक धारणा भी होती हैं, ढेर सारे नकारात्मक भी धारणा होती हैं। लेकिन हाँ, उसमें भी निर्णय लेने के लिए आपके अंदर बहुत सूक्ष्म तरीके से एक अंतः चेतना होती है जिसको आप आत्मा कहते हो मित्र, जो बुद्धि के रूप में कहीं ना कहीं इनके बीच में रहती है और आपको सही और गलत का एहसास दिलाती रहती है। इनको देखते हुए आप एक अपनी नई विचारधारा बनाने का प्रयास करो मित्र, जिसमें से आप अपने आप को प्रबल आत्मा के रूप में लाने का प्रयास करो।
और ये प्रबल कैसे आएगा? कर्म के बल पे ही आएगा मित्र। और कर्म कैसा होना चाहिए? वो कर्म ऐसा होना चाहिए जो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और खुद को बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सके। और ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था का संदेश पैदा कर सके। अब जरा सोचिए कि अगर आप किसी एक विशेष मूल्य पर चलेंगे, एक विशेष संस्था, समाज या देश के आधार पर चलेंगे, तो क्या पूरे ब्रह्मांड में शांति व्यवस्था को लाया जा सकता है? नहीं मित्र। कारण ये होते हैं, बहुत सारे जैसे ऐसे होते हैं जिनके मूल्य नकारात्मक होते हैं और जहाँ जो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में अशांति व्यवस्था को जन्म देती रहते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि सिर्फ आपकी पृथ्वी की बात कर ली जाए तो यहाँ अशांति भंग हो रही है? तो क्या ये प्रबल आत्मा की पहचान है कि दुर्बल आत्मा की पहचान है? आप खुद सोच के बताइए। तो मित्र, जिस तरीके से आपके समाज में, जिस तरीके से आपके समाज में ये रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उसी तरीके से विभिन्न प्रकार के ग्रहों के लिए भी रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं। और खुद जो सुपर नेचुरल पावर है, ये सुपर नेचुरल पावर भी अपने विध के विधान में बंधा हुआ है। विध के विधान में मित्र, हाँ, ये जो सुपर नेचुरल पावर है ये भी अपने आप को विध के विधान में अपने आप को बांधा रखा हुआ है और इन लोगों को भी बांधे हुए हैं। और आप किससे बंधे हुए हैं? अपने समाज से, अपने समाज से। भले ही वो इकोसिस्टम के लिए या पूरे ब्रह्मांड के लिए लाभदायक नहीं हो, लेकिन वो समाज आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। आप ऐसा कर्म कुछ करिए न केवल आपके परिवार समाज के लिए हित हो, आपके पूरे देश एवं पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड जगत के लिए लाभदायक हो। इसके दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम मित्र आपको समझाना चाहते हैं। एक ये देखिए, हमारे उपनिषद में भी ये चीजें कही गई है कि पूरा विश्व एक परिवार है। पूरा विश्व परिवार के कल्याण का मतलब ये होगा कि जब पूरे ब्रह्मांड सही रहेंगे तो हमारा सौरमंडल भी सही होगा, हमारी पृथ्वी ग्रह भी सही होगा और पृथ्वी पर रहने वाले लोग भी सही होंगे। मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से ये पूछा था कि बताइए आप ईश्वर को जानते हैं, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ईश्वर भी विध के विधान में बंधा हुआ है, यानी कि ईश्वर भी अपने कर्म के दायित्वों का पालन करता है। जैसा कि मैंने कहा कि सब अपने अपने अलग उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं अपने कर्मों की पूंजी के आधार पर। यहां तक कि जो सुपर शक्ति है, तो आप समझ रहे हैं क्या सुपर शक्ति तानाशाही बन सकता है? नहीं मित्र, नहीं बन सकता है। अगर वो अपने विधि के विधान का उल्लंघन करेगा तो वो खुद अपने आप को दंडित करेगा, लेकिन वहां पे गलती होने की संभावना बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है या नगण मात्र होती है, होने की कोई संभावना ही होती है। क्यों? क्योंकि सुपर नेचुरल पावर बनना अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है मित्र, बहुत बड़ी तपस्या है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं कि आप सुपर शक्ति किसे कहते हैं। आपको जो पौराणिक कथाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक हमारे ग्रंथ हैं, तो आप देखेंगे मित्र, सुपर शक्ति की अगर बात आप करते हो तो शिव जी की बात करते हो, शंकर जी की बात करते हो मित्र। शिव जी की आप बात करते हो, शंकर जी की बात करते हो कि ये सुपर, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सुपर शक्ति किसके पास है? शिव जी के पास है। विभिन्न प्रकार के पौराणिक कथाओं में ये दिखाया गया है। तो वहां से आप थोड़ा से प्रेरणा लेने की कोशिश करिएगा कि आखिर में सुपर शक्ति कौन बन सकता है और परमात्मा कौन बन सकता है और प्रबल आत्मा कैसे बन सकती है। इस चीज को समझने का आप प्रयास करिएगा और वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए मित्र, ये जो कर्म है, तो सवाल ये होता है कि सबसे अच्छा कर्म कौन करेगा?
सबसे अच्छा कर्म कौन करेगा। तो देखिए मित्र, इसी कर्म के संदर्भ में मैं आपको एक चीज यहां पे बता देना चाहता हूं। वैसे तो मित्र कई प्रकार के हमारे फिलोसफर लोगों ने अलग अलग तरीके से बात कही है कि एक अच्छा कर्मयोगी बनने के लिए क्या होना चाहिए। एक अच्छा कर्मयोगी बनने के लिए आपके पास मित्र ज्ञान होना चाहिए। जी हाँ, एक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एक ज्ञान ही आपको एक कर्मयोगी बना सकता है। और ये ज्ञान, जैसे मैंने कहा, ये इस ज्ञान के दो स्रोत हैं, एक बुद्धि है और एक अनुभव है मित्र। अनुभव है, दो होते हैं। अब ये ज्ञान ही आपको एक अच्छा कर्म योगी बना सकता है। इसी चीज को समझना है आपको, इसी चीज को समझना है कि हम कैसे एक कर्मयोगी बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं सिर्फ तीन दर्शन के बारे में बताऊंगा मित्र। एक आप बौद्ध दर्शन के बारे में जान लीजिए और एक आप थोड़ा से जैन दर्शन के बारे में बताइए जान लीजिए और योग दर्शन। देखिए मित्र, इन्होंने एक अच्छा कर्मयोगी बनाने के लिए अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात किया है। अष्टांगिक मार्ग, और ये त्रिरत्न के बारे में बात किए हैं, त्रिरत्न। और इन्होंने अष्टांगिक योग दर्शन में इन्होंने भी अष्टांगिक शब्द का यूज किया है कि इन्होंने अष्टांगिक शब्द का यूज किया है कि वो आठ चरण ऐसे होते हैं कि जिसके माध्यम से आप एक कर्मयोगी बन सकते हैं। और महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। इन्होंने यानी कि जितने भी फिलोसफर हैं, जितने भी दार्शनिक हैं, बहुत ज़्यादातर भारतीय दर्शन शास्त्रों में या यूरोपीय दर्शन शास्त्रों के संदर्भ में कैसे हम एक कर्मयोगी बन सकते हैं उसके संदर्भ में चर्चा की गई, जिसमें कि बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और योग दर्शन का बहुत बड़ा योगदान है मित्र, बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ, बहुत बड़ा योगदान है कि आप एक कर्मयोगी कैसे बन सकते हो मित्र, कर्मयोगी कैसे बन सकते हो। और बिना कर्मयोगी बने आप एक ज्ञान को नहीं प्राप्त करोगे, और बिना ज्ञान और बिना दर्शन को आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। अब जब आपको ज्ञान नहीं मिलेगा मित्र, तो आप प्रबल आत्मा के रूप में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको आगे जाना होगा, इसका बीज तो आपको अंदर तो डाली ही जाती है। जैसे आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आप ये मान के चलिए, आत्मा चाहे जितनी बुरी हो, इस समाज में व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो आत्मा शरीर के माध्यम से चाहे कितना ही दूषित क्यों न हो जाए मित्र, लेकिन ये कहा जाता है कि ये जैसे मान लेते हैं कि बूंद, अगर अलग अलग बूंदों का समुद्र में जाकर अगर मिल जाए तो उसमें समुद्र का गुण आ जाता है। इसी बात मेरा ये जहां तक मेरी सोच है, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि हर दूषित आत्मा चाहे जितनी भी हो, वो मरने के बाद, समुद्र में मिलने के बाद, उसमें समुद्र में मिलने के बाद परमात्मा के कुछ अच्छाई का अंश का बीज डाल दिया जाता है। हाँ, ये डाल दिया जाता है ताकि वो अगले जन्म में अपने आप को बैलेंस कर सके। लेकिन जो जिस तरीके से रहता है उसके अंदर उतनी ही क्वालिटी डाली जाती है, और जो दूषित रहता है उसको भी बैलेंस करने के लिए मौका दिया जाता है। थोड़ा सा इस पर विचार करिएगा। एक तरीके से गंदी चीज को वहां पे शुद्ध किया जाता है, लेकिन जो ज्यादा अच्छा किया रहता है उसको प्रबलता के रूप में आगे बढ़ने के लिए और मौका दिया जाता है। जो दुर्बल दिया जाता है उसको शुद्ध करके भेजा जाता है, लेकिन उसकी सजा उसके अगले जन्म में उस पृष्ठभूमि में मतलब चुनौती और डाल के देता है।
तो आप कह सकते हैं क्या ये पुनर्जन्म है? हाँ मित्र, 84 लाख योनियों की बात की गई है। इसके संदर्भ में कभी हम आपसे फिर चर्चा करेंगे, 84 लाख योनियों में किस तरीके से एक आत्मा का एक पीढ़ी से दूसरे तरीके से ट्रांसफर होता रहता है, उसका भी हम अवधारणा आपके सामने रखेंगे। लेकिन बट हम यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि कैसे सुपर नेचुरल परमात्मा और आत्मा कैसे अपने कर्म के रूप में बनी होती है मित्र। तो देखिए मित्र, यही वो चीज है। तो बड़े बड़े जो फिलोसफर हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सुपर नेचुरल बन गए हैं। हाँ, ये है कि जिन्होंने ज्ञान का जो मार्ग लोगों को प्रदान किया है, जो प्रदान किया है, जो भी विचारक हैं, उन्होंने बहुत कुछ देने का प्रयास किया है दूषित आत्मा को एक स्वच्छ आत्मा में बनाने के लिए, ब्रह्मांड को अनुकूलित करने के लिए उन्होंने ये धारणा प्रकट की हुई है। उस चीज पर थोड़ा सा आप विचार करिए। लोगों ने भी इस चीज को समझने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया है मित्र, पूरा जीवन लगा दिया है। तो क्यों ना आप इसको आगे बढ़ाने का क्यों नहीं प्रयास करते हैं? क्यों आगे इसको बढ़ाने का आप प्रयास नहीं करते? क्यों और चीजों को आप रिसर्च क्यों नहीं करते हैं? लेकिन कैसे करेंगे, सवाल उठता है, कैसे करेंगे? तो आपके लिए आपको माध्यम मिला हुआ है, और जिनको नहीं मिला है तो ढूंढने का प्रयास करिए। वो समाज में जो धारणा बनी हुई है, उस धारणा को अपने अंदर दूसरी धारणा को निकालेंगे तभी अच्छी तरह बढ़ जाएंगे। नहीं तो उस धारणा में आपका अपना अहंकार, क्रोध, लोभ, लालच सब छुपा हुआ है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक इनके बताए हुए रास्ते पे कभी नहीं चल पाओगे आप। और तब तक ये पूरी कॉन्सेप्ट, ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरी विचारधारा आप नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज को समझने के लिए आपको ज्ञान के सागर में गोता लगाना ही होगा। निश्चित रूप से आपको गोता लगाना होगा। तो मित्र, अब हम जरा सोचते हैं कि जैसे कि कैसे सुपर नेचुरल पावर कोई कैसे बनता है, कोई प्रबल आत्मा कैसे बन जाती है, कोई दुर्बल आत्मा कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है। तो मित्र, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जैसे मान लेते हैं कि हम तीन चीज आपको एग्जाम्पल दें। जैसे एक तरीके से हम यहां पे फिर अलग से फिगर बना लेते हैं। मित्र देखिए, यहां पर विध का विधान तो यूनिवर्सल बना रहता है। पृथ्वी का अपना विध का विधान है, सौरमंडल का अपना विध का विधान है, ब्रह्मांड का अपना विध का विधान है, आपके परिवार का अलग विध विधान है, सबके अपने अपने जीने के तरीके के लिए अलग अलग नियम कानून बनाए हैं मित्र। लेकिन सही वही है जिसमें पूरा ब्रह्मांड संतुलित हो। तो देखिए मित्र, अब यहां पर मैंने आपको बताया कि जो ये कर्म है, यहां पर मैंने कहा कि सुपर शक्ति। अब ये सुपर शक्ति की हम बात कर लेते हैं मित्र, और यहां पर मैंने बात बताया कि परमात्मा, और यहां पे मैं एक नॉर्मल व्यक्ति ले लेता हूं मित्र। ठीक मित्र, अब जरा सोचिए कि आपके समाज में, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आपके समाज में कई प्रकार के व्यक्ति हैं। ये व्यक्ति पृथ्वी ग्रह पर नहीं, अन्य ग्रहों पर भी हो सकते हैं, कई जगह हो सकते हैं। मान लेते हैं ए बी सी डी इत्यादि इस तरीके से, और मान लेते हैं कि परमात्मा का भी हम ए बी सी तक ले लेते हैं, कम ही रहेंगे, इनकी संख्या बहुत ज्यादा रहेगी, डॉट 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 डॉट। आप देखिए मित्र, कारण ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि जितना दिन तक, अगर जैसे मान लेते हैं कि ये अपने आप को कई दिनों तक साधना में लगा दिए, जैसे इन्होंने साधना किया 50 साल तक, इन्होंने साधना किया 1 साल, और इन्होंने साधना किया
एक महीना, और इन्होंने अपने जीवन में साधना किया 10 दिन, और आगे लोगों ने अपने जीवन में साधना किया 0 दिन। साधना का मतलब क्या है मित्र? साधना का मतलब ये है कि ये इन्होंने जो 50 साल अपनी लाइफ इन्होंने जिया, 50 साल लाइफ, ये इनका उद्देश्य ये था कि इन्होंने ज्ञान को अचीव किया, ज्ञान को अचीव किया। ज्ञान के अचीव करने का मतलब ज्ञान कैसे आएगा मित्र? बार बार मैं आपको बता रहा हूं, ज्ञान कैसे आएगा? जब तक आप अपने मन को एकाग्रचित नहीं करोगे, जब आप एकाग्रचित कर लोगे अपने मन को, तभी ज्ञान का जन्म होगा। और जब एकाग्रचित आपने कर लिया तो ज्ञान का ग्रोथ कैसे होगा? प्रार्थना। प्रार्थना क्या है मित्र? ध्यान। लेकिन ये एकाग्रचित तब तक आपके मन में नहीं आएगा जब तक आपके मन में दर्शन नहीं आएगा, दर्शन नहीं आएगा, अपने इंद्रियों पर आपको काबू पाना होगा मित्र। हाँ, यहां पे देखिए मित्र, ये जो प्रकृति और समाज की जो धारणा है और ये जो व्यक्ति पर पड़ती है और जो ये इंद्रियां इसको ग्रहण करती हैं, संवेदना के माध्यम से मन पे प्रभाव पड़ता है, इस चीज को आपको कंट्रोल करके आपको अपने अंदर एकाग्रचित लाना होगा, बैलेंस बनाना होगा, तब जाकर आप अपने आप को 50 साल की साधना में लगा पाओगे। और जो व्यक्ति जितना अधिक अपने आप के अंदर साधना में लगा लेगा, साधना का मतलब वैराग्य नहीं है मित्र, एक खोज है, एक ललक है, जानने की इच्छा है। हां, यह है कि जो भ्रांतियां हैं, जो मोह संबंधी भ्रांतियां हैं, जो संशय संबंधी भ्रांतियां हैं, जब तक वो दूर नहीं होगी तब तक आप एकाग्रचित नहीं कर पाओगे, तब तक ध्यान नहीं लगा पाओगे, तब तक आप ज्ञान की खोज नहीं कर पाओगे, और तब तक आप प्रबल आत्मा नहीं बन पाओगे मित्र। जब इस कर्म में आप प्रबल आत्मा के रूप में तब्दील हो जाओगे, एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में, एक पूरे ब्रह्मांड के रूप में, आपके अंदर वो ज्योति जगने लगेगी जो समाज कल्याण के रूप में हो, जो आपके कल्याण के रूप में होगी, वही अंतःचेतना आपके लिए क्या बन जाएगी? प्रबल आत्मा। और ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जनरेशन में चलती रहेगी मित्र। और यही प्रबल आत्मा किसमें तब्दील हो जाएगी? परमात्मा में। और यही आपका कहलाएगा कि एक तरीके से हम नरक की द्वार से निकलकर कहां जा रहे हैं? स्वर्ग की द्वार पे पहुंच रहे हैं, स्वर्ग की द्वार पे पहुंच रहे हैं। स्वर्ग का द्वार का मतलब यही हुआ मित्र कि एक तरीके से आप ये तरीके से समझिए कि आप जो भी कार्य करिए, जो भी करिए, जैसे भी रहिए, आपको सुखी की अनुभूति हो। लेकिन हर कार्य करने के पीछे आपको कोई ना कोई तो लक्ष्य देखना चाहिए। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम एग्जाम पास करेंगे तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, ये हम जानते हैं। पैसा मिलेगा, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, मुझे सुखी की अनुभूति होगी, हम जानते हैं। उसी तरीके से जिन महान पुरुषों ने ये समझ लिया कि एक व्यक्ति के कल्याण में दूसरे व्यक्ति का कल्याण छुपा हुआ है, एक ग्रह के कल्याण में दूसरे ग्रह का कल्याण में छुपा हुआ है, तो उसी की खोज में अपने आप को संतुष्टि करता रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर वैराग्य की भावना आ जाएगी, इसका मतलब ये है कि उसके इच्छाओं पर उसका काबू हो जाएगा। और इस भौतिक जगत में रहते हुए भी अपने आप को अध्यात्म से जोड़े रहेगा। अध्यात्म का मतलब एक तरीके से अपने आप को बैलेंस किए हुए रहेगा, बैलेंस किए हुए रहेगा, और उसी के आधार पर वो आगे बढ़ता चला जाएगा। और वही उसकी पूंजी जो होगी, वही उसकी पूंजी एक परमात्मा के रूप में तब्दील कर देगा, और उसको अगले जन्म में उसके और बड़ा उत्तरदायित्व मिलेगा, और संभालने का मौका मिलेगा। बस ये होगा कि वो अपने अंतःचेतना की बात किस हद तक सुनता है, जिसका प्रभाव उसकी कर्म रूपी पूंजी में छुपा हुआ है।
तो ये पूरा आप विचार करने का प्रयास करिएगा। और मैंने ये कहा कि ये सुपर शक्ति भी विद के विधान के रूप में है, ये भी अपना कर्म करता है, ये विद के विधान, ये विधि के विधान में है। हाँ मित्र, विधि के विधान में। तो कहने का मतलब ये 50 साल कर रहे हैं, तो आपने सुना होगा कि साल साल से, दशक दशक से, शताब्दी शताब्दी से कई युग बीत जाते हैं, कई सदियां बीत जाती हैं। तो जो शिव जी हैं, हम उनको एक एग्जांपल में ले लेते हैं, किसमें? सुपर शक्ति। भाई ऐसा आप मानते हो कि जो शंकर भगवान हैं, जो शिव जी हैं, वो कई युगों युगों तक तपस्या करते हैं, कई युगों तक तपस्या करते हैं, और सारे परमात्मा सारे देव उनके अधीन ही रहते हैं, और वो खुद विधि के विधान में फंसे हुए हैं। तो क्यों? क्योंकि ऐसा भी शिव की तरह कोई एक सुपर नेचुरल पावर है, शंकर जी की भी तरह कोई एक सुपर नेचुरल पावर है, जो अरबों वर्षों तक, खरबों वर्षों तक कहीं ना कहीं वो अपने आप को एकाग्रचित किए हैं। सुपर नेचुरल कई सदियों तक, आप तो अपने आप को एक दिन तक अपने आप को थोड़ा से कंसंट्रेशन करके बनाओ, एक दिन एकाग्रचित तरीके से जी के दिखाओ, एक दिन तक, एक दिन तक अगर आप अपने आप को एकाग्रचित होकर दिखा दो, तो आपको खुद एक ही दिन में लग जाएगा कि मेरे अंदर द्वैत का भाव उत्पन्न हो रहा है। यानी कि जो काम करो सकारात्मक रूप से, उस पर पूरा मन 100% लगा दो। जैसे पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करते समय एक दिन ऐसी पढ़ाई करो कि किसी भी तरीके के विचार आपके मन में आपकी पढ़ाई के अलावा आए ही नहीं, सिर्फ एक दिन। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर ज्ञान की बीज का रोपण हो गया है और आप प्रबल आत्मा की तरफ बढ़ रहे हो। एक दिन से दो दिन से तीन दिन, इसी तरीके से 50 साल, और परमात्मा के रूप में जाओगे तो सदियों लग जाएंगे, वहां भी चैलेंज है। आएगा कैसे? दर्शन से, बुद्धिजीवों से, लेकिन जाओगे कैसे? जब समाज में पड़ी हुई भ्रांतियों को दूर करोगे अपने अंदर से, तब जाओगे यहां तक आप। तो मित्र, ये सुपर नेचुरल पावर है, ये सुपर नेचुरल पावर है। जरा आप एक चीज से ये समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि जल हो, पेयजल जिसको आप बोलते हैं, तो जो पेयजल योग्य होता है वो कई लोगों ने, कई नदियां अगर बह रही है तो कई जानवर ऐसे पी के कभी अपने आप को जिंदा रख लेते थे, लेकिन आज जल इतना दूषित हो गया है कि जीवन को गति नहीं दे रहे हैं, बल्कि मृत्यु देते चले जा रहे हैं। कारण क्या है मित्र? कारण ये है कि उस जल में स्वच्छता नहीं है। तो जल में स्वच्छता न होने के कारण जीवन न देकर वो मृत दे रहा है। उसी तरीके से आपके कर्म में भी स्वच्छता होनी चाहिए, आपके कर्म में भी स्वच्छता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, तभी आप गति दे सकते हो। अगर स्वच्छता नहीं रहेगी तो आप गति कभी नहीं दे सकते हो, ना दूसरे को, ना अपने आप को। और यही स्वच्छता आपके अंदर रफ्तार बढ़ाएगी, रफ्तार बढ़ाएगी। किसकी रफ्तार बनाएगी? ध्यान की रफ्तार बढ़ाएगी, ज्ञान की रफ्तार बनाएगी, प्रार्थना की रफ्तार बनाएगी। लेकिन आएगी कैसे? ज्ञान के बल पे आएगी। ज्ञान कैसे आएगा मित्र? तो विभिन्न प्रकार के बुद्धिजीवियों की धारणाओं को एडॉप्ट करने से, और आपके जो धारणा संबंधी भ्रांतियां हैं उसको दूर करने से आएंगी।
तो मुझे लग रहा है कि सुपर शक्ति परमात्मा और व्यक्ति के संबंधित जो दुर्बल और प्रबल आत्मा है, इसमें आप अंतर पैदा कर लिए होंगे मित्र। तो इन्हीं की बात हम कर रहे थे। ये जो 13 संबंधित पॉइंट है वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 में, मैंने आपको आपके सामने ये इस चीज को जिक्र किया। क्या क्या, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं सस्री निगाह से। पहला, प्रकृति क्या था, इसके संदर्भ में मैंने आपको बताया कि प्रकृति क्या था, तो मैंने पूरे ब्रह्मांड का एग्जाम्पल देते हुए पृथ्वी तक आपको लेकर आया था। दूसरा, समाज, यानी कि हम पृथ्वी लोक की बात कर लेते हैं, इस पृथ्वी लोक पे जो हमारा समाज है और जो समाज में जो नियम और कानून बनाए अपने वर्ग के हित के फायदे के लिए, समाज में यूनिटी लाने के लिए और प्रकृति को बनाए रखने के लिए और प्रकृति के शोषण करने के लिए भी अलग अलग तरीके से धर्म बनाए गए। एक्चुअली वो धर्म नहीं, वो धारणा है। धर्म तो वो होता है जो आपको पूरे तरीके से मानव कल्याण के रूप में तब्दील कर दे, वो धर्म है जो आपके अंदर ये सारे शिक्षा का बीज रोपण कर दे, वो धर्म है। धर्म वो है जो आपके अंदर एक तरीके से पूरी तरीके से एकाग्रचित कर दे और आपके अंदर रफ्तार बढ़ जाए। तो लेकिन धर्म क्या हो गया, धारणा हो गई, जो प्रकृति और समाज में धारणा बनी, अब वही जो व्यक्ति आते हैं वही व्यक्ति उसको सीखते हैं और उस समाज में रहकर कोई प्रबल आत्मा के रूप बन जाता है, कोई दुर्बल रूप के आत्मा बन जाता है। लेकिन उसके अंदर आती कैसे है, इंद्रियों के माध्यम से आती है। इंद्रियां आपके अंदर संवेदना पैदा करती हैं, आपके अंदर भाव उत्पन्न कर देती है। कंट्रोल करने का काम कौन करता है, बुद्धि करता है। बुद्धि पर बैठी हुई एक सूक्ष्म चीज होती है जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो जन्मजात से वो आती है, कई पीढ़ियों से आपके अंदर आती है। इस पर भी मैंने डिटेल से चर्चा किया। इसके बाद परमात्मा क्या होता है, उस पर भी मैंने चर्चा किया। कर्म क्या होता है, उस पर भी मैंने चर्चा किया। सर्वोच्च शक्तिमान कौन होता है, इसको भी मैंने अभी समझाया आपको। विध का विधान, इसका भी एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा। प्रार्थना क्या होती है मित्र, तो प्रार्थना सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ी पावर होती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और समझा देना चाहता हूँ मित्र। मेरा आपसे यहाँ पर एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं, प्रश्न ये है मैं आपसे ये पूछूं मित्र कि प्रार्थना और संभोग इन दोनों में से आपका माइंड किसमें एकाग्रचित होगा। इसका मतलब ये कि ये दोनों करते समय जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हो, दोनों करते समय किसमें आपका मन भटकेगा नहीं। संभोग की अवस्था में हो तब आपका विचार कहीं नहीं जाएगा, कि आप प्रार्थना में हो तब, सोच के बताओ। तो आप कह सकते हो कि सर ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप प्रार्थना सुख की अवस्था में कर रहे हो, सिर्फ कर्मकांडिता के रूप में कर रहे हो, तब तो ये कह सकते हो कि संभोग में ज्यादा एकाग्रचित होगा। लेकिन प्रार्थना अगर दुख की अवस्था में हो मित्र, दुख की अवस्था का मतलब जब मेरा कोई अपना बहुत संकट की स्थिति में हो और उसको बचाने के लिए डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो और ये कहता हो कि ये मेरे बस से बाहर है सिवाय प्रार्थना के, तो ऐसी स्थिति में मित्र मैं आपसे ये बता दे रहा हूं कि आप जो प्रार्थना करोगे एकदम निस्वार्थ भाव से करोगे प्रार्थना, और आपका माइंड पूरी तरीके से कंसंट्रेशन होगा, संभोग से भी जबरदस्त होगा। यानी संभोग के समय जिस तरीके से हमारे विचार अन्य जगह नहीं जाते हैं, उसी तरीके से प्रार्थना के समय भी नहीं जाएंगे, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा यहां पे एकाग्रचित होगा दुख की अवस्था में।
इसीलिए कहा जाता है मित्र, बड़े बड़े भाषण नहीं समझ में आता है, लेकिन दुख की अवस्था, संकट की स्थिति हमको एक पल के लिए एक ज्ञान का सबक सिखा जाती है। और मित्र मैं आपको ये बता दे रहा हूं, अगर प्रार्थना कर्मकांडिता के रूप में न करके आप एक ज्ञान और ध्यान की अवस्था में आकर कर रहे हैं, प्रार्थना का मतलब क्या हुआ मित्र, प्रार्थना का मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो लीन हो जाओ, आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो लीन हो जाओ, तो एकाग्रचित ही आपकी प्रार्थना में गुणवत्ता को बढ़ाएगी जो भी कार्य करो। मेरा यहां तक मानना है मित्र कि आप अपने आप को एकाग्रचित करके प्रार्थना को कोई भी व्यक्ति 200 वर्ष तक जी सकता है, ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं, 200 वर्ष जी सकता है अगर उसके अंदर ज्ञान का बीज अच्छे तरीके से डाल दिया जाए, वो अपने एकाग्रचित करके अपने प्रार्थना को प्रबल कर लेगा, शारीरिक रूप से अगर कार्य करेगा तो बड़ी ही स्ट्रांग तरीके से काम करेगा, लेकिन वो एकाग्रचित आना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। संभोग मित्र मैं ये कहता हूं कि अगर संभोग मान्यता के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो या जैसे भी आप कर रहे हो मान्यता के अकॉर्डिंग, तो तब भी सुकून तो आपको कुछ उसमें रहता है, लेकिन ये चीज तो मान के चलते हो कि ये चीज भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को तनाव की स्थिति में लाने का प्रयास करता है। हाँ, लेकिन ये है कि परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि आपके सिचुएशन कैसे हैं। तो प्रार्थना में ज्यादा पावर है मित्र, मेरे अकॉर्डिंग प्रार्थना में पावर ज्यादा होता है, इसको आप दुख की अवस्था में किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हो, महसूस कर सकते हो, या आपने बहुत सारे फिल्म भी देखी हुई होगी कि कितनी आस्था पूर्ण रूप से दुख की अवस्था में वो ईश्वर के साथ समर्पण होते हैं, उतना तो कोई प्रेम की अवस्था में अपने आप को समर्पित नहीं करता है। क्यों, इस पर आप विचार करिएगा। ठीक है मित्र, तो ये चीजें आपने देखा और मुझे लग रहा है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मित्र, तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जहां तक मुझे लगा दो पार्ट में ही मैं अपने सारे विचारधाराओं को यहां पर लाकर रख दिया गया, और आप देखे होंगे कि इसमें सारे विषय चले हैं, समाजशास्त्र भी चला, भूगोल भी चला, एस्ट्रोलॉजी भी चला, यहाँ पे आपके जूलॉजी भी है, सारे विषय यहाँ पे दर्शन भी है, यहाँ पे मनोविज्ञान भी है, सब है यहाँ पर, सारे विषय इसमें इंक्लूड हैं। और समान व्यक्तियों में जो एक तरीके से धारणा होती थी कि कर्मकांडिता के आधार पर कि ये धर्म है और आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है, कर्म का क्या संबंध होता है आत्मा से, परमात्मा किस तरीके से, सुपर नेचुरल पावर क्या होती है, तो मुझे लगता है कि मैंने अपने विचार तो यहाँ पर रख दिए हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा एक नई विचार हम और देना चाहते हैं, तो आप कुछ विचार हमको लाकर दे सकते हो, या तो आप क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, तो जो भी क्वेश्चन करिएगा लॉजिकल तरीके से करिएगा, और जो भी न समझ में आया होगा उसको भी आप लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन करिएगा मित्र, हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो मुझे और ही अच्छा लगेगा, क्यों, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे पास तो देने के लिए चीजें हैं, बट मैं जो चीजें देता हूं एक समान लेवल के आधार पर कहीं ना कहीं मान के चलता हूं, और उतने ही आधार पर हम पूरी बात कहने का रखने का प्रयास करते हैं कम से कम समयों में मित्र, और कम से कम समयों पर अधिक से अधिक आपके अंदर कम्युनिकेशन कर दिया जाए, वो मेरा कहीं ना कहीं उस पर ध्यान होता है। लेकिन अगर आपको इस क्लास में किसी भी तरीके से चीज़ें संदेह की स्थिति में लगती होगी, या तो आपके अपने कुछ विचार हैं, या आप कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी, तो मित्र आप जरूर क्वेश्चन करिएगा, जरूर करिएगा कि प्रकृति समाज व्यक्ति इंद्रियां संवेदना बुद्धि मन आत्मा परमात्मा कर्म सर्वोशक्तिमान विधि का विधान और प्रार्थना में आपस में क्या संबंध है, और इन्हीं सबका
जो है संबंध, यहाँ पर मैंने प्रश्नों के माध्यम से लिखा है, जो अभी तक आपसे डिस्कशन यहाँ पर मैंने किया था, सारे आंसर है। धारणा क्या है मैंने बताया था, पिछले वाले वीडियो में देखेंगे तो धारणा क्या ये भी मैंने बता दिया। अनुभव और बुद्धि का ज्ञान से किस तरीके से संबंध है ये भी मैंने आपको बता चुका। ज्ञान किस प्रकार से पुरुषार्थ को जन्म देता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि पुरुषार्थ मतलब एक तरीके से सत्व की प्राप्ति ज्ञान से किस माध्यम से हो सकती है ये भी मैंने आपको बता दिया। मित्र, परमात्मा एक है कि अनेक है ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या प्रार्थना सबसे ऊपर है, प्रार्थना सबसे ऊपर है मित्र, ये भी मैंने बता दिया कि प्रार्थना क्या है। आपके कर्म की पूजे जितने ज़्यादा एकाग्रचित करोगे आपकी प्रार्थना उतनी ही ज़्यादा प्रबल होगी, ये ध्यान की उच्चतम सीमा है मित्र। दूसरा क्या है, संभोग और प्रार्थना दोनों में से किसमें में भाव अधिक शून्य होता है, यानी कि एक तरीके से प्रार्थना और संभोग की स्थिति में किसमें विचार जो होंगे अन्य विचार नहीं आएंगे, किसमें एकाग्रचित ज़्यादा होगा तो प्रार्थना में होगा मित्र। ठीक, दूसरा है किसको प्रार्थना में अधिक शक्ति होती है, किसकी प्रार्थना में अधिक शक्ति होती है, तो मतलब किसकी प्रार्थना में अधिक शक्ति होती है, सुपर नेचुरल की, परमात्मा की, आत्मा, भाई जो अपने मन को बहुत ज़्यादा एकाग्रचित किया होगा उसके अंदर प्रार्थना में ज़्यादा शक्ति होगी। ऋषि मुनि श्राप दे देते थे, क्यों, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एकाग्रचित कहते हैं। हाँ मित्र, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर जरूर बताऊँगा कि किसी भी सच्चे इंसान का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, कभी भी नहीं दुखाना चाहिए। जो सच्चा इंसान आपको लगे, सच्चा इंसान का मतलब एक ईमानदार व्यक्ति का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए। आज से ये बात आप जरूर नोट कर लीजिएगा। दुनिया में आप कुछ भी करिएगा लेकिन सच्चे इंसान के व्यक्ति, ईमानदार वाले व्यक्ति का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। ईमानदार का मतलब ईमानदार, कर्मकांडिता से मत जुड़िएगा, मेरी बात समझ रही है। ईमानदार वही हो सकता है जिसके अंदर ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया होगा, नहीं तो काला बाजार की दुनिया में कोई अपने आप को ईमानदार नहीं बना पाता है। वो व्यक्ति बनाता है जो कहीं ना कहीं ज्ञान की धारणा को समझता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का दिल कभी मत दुखाइएगा। ठीक, पावर किसके अंदर ज़्यादा होगी, आत्मा जितनी प्रबल होगी प्रार्थना उतनी ही सबल होगी, सुपर नेचुरल की प्रार्थना और ज़बरदस्त होगी। तो कोई भगवान अब चाहेगा कि मेरे भक्त का कोई दिल दुखाए? ईमानदार, दुनिया का हर ईमानदार व्यक्ति अपने ईश्वर के सबसे करीब होता है, इसलिए अहंकार में आकर कभी भी उसका दिल मत दुखाना मित्र। भौतिक जगत से अध्यात्म जगत के बीच की कड़ी माध्यम कौन है व्यक्ति? बुद्धि है। भौतिक जगत से अध्यात्म जगत, ए लोक से परलोक लोक से जोड़ने का माध्यम कौन है? बुद्धि व प्रार्थना है मित्र। यही वो प्रार्थना है, वही वो दर्शन है जो आपको बुद्धि की प्रबल करती है और आपके अंदर ज्ञान का बीज डालती है। प्रार्थना भी ज्ञान से आता है और यही ज्ञान प्रार्थना से आपके ज्ञान के अंदर डेवलपमेंट करता है, जो आपको भौतिक जगत से अध्यात्म की जगत की तरफ ले जाता है या दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बैठाता है, समन्वय स्थापित करता है। वैराग नहीं, समन्वय स्थापित करता है। भौतिक जगत में भी रहकर अध्यात्म का जीवन जीना, बहुत लोग जिए हैं, कबीर जिए हैं, महात्मा गांधी जिए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप बड़े आसानी से दे सकते हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है मित्र, ये सारे जो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, ये एक तरीके से वो चीज़ है जो आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती है, ये हर व्यक्ति के दिमाग में चलती रहती है। आप IAS बन रहे हो, आप DM बनना चाहते हो, या तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हो, या कोई व्यक्ति मजदूर है, या कोई श्रमिक है, या कोई राजनेता है, या कोई अपराधी है, सबके मन में ये विचारधाराएं चलती रहती हैं। तो मित्र, जो विचारधाराएं चल रही थी उसी विचारधाराओं के बीच में हमने अंडरस्टैंडिंग बैठाने का प्रयास किया है और मैंने ये वीडियो सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया है।
ताकि हर व्यक्ति इससे प्रेरणा ले और प्रेरणा लेकर कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करें। तो मित्र, इसी के साथ इस वीडियो का मैं समापन कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।